बस। हाँ जी रजे, अज मैं करवा रही हूँ सूरदास के विनय पद का दूसरा पद, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। कि हे प्रभु, सूरदास किसे कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अवगुणों अर्थात मेरे दोषों को अपने चित्त में अपने ध्यान पर ना धरो, कि आप मेरे दोषों को ध्यान ना दें। समदर्शी है नाम तिहारो, कि आपका नाम समदर्शी सबको समान देखने वाले हैं, कि सबको एक ही नज़र से देखने वाले हैं। चाहो तो पार करो, आपकी इसी विशेषता को ध्यान में रखकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप चाहें तो मुझे इस भव सागर से पार कर दे अर्थात मेरा उद्धार कर दे। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर धरे। नार नाला, वर्ण रंग। एक नदिया कि एक नदी, एक नार एक नाला कहता है, नदी जिसमें पवित्र जल, जैसे एक नदिया जिस पर पवित्र पानी और एक नार यानी नाला जिसमें गंदा पानी बहता है, परंतु जब ये दोनों मिल जाते हैं एकाकार होकर स्वच्छ हो जाते हैं, अर्थात एक नदी का पानी और एक नाले का पानी जब देव नदी गंगा में मिल जाता है तो गंदा पानी भी स्वयं अपने आप स्वच्छ होकर देव नदी गंगा जल ही बन जाता है। कि दोनों मिली एक वरण बे सुरसरी नाम पर हो, कि दोनों जब एक में मिल जाते हैं तो वह देव नदी गंगा ही कहलाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गंगा का जल पवित्र होता है, चाहे इसमें नाले का पानी हो चाहे नदी का पानी हो। सुरसरी नाम, उसका नाम गंगा पड़ जाता है। इसमें सूरदास जी ने क्या कहा कि जब बुरा भी अच्छे की संगति में आता है तो स्वयं धीरे धीरे वह भी अच्छा ही बन जाता है। एक लोहा पूजा में राखत, कि एक लोहे को हम पूजा में रखते हैं, जैसे हिंदू लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो वह उसे ही पूजते हैं। एक घर बदिक दरो, और वही लोहा जब जो वही लोहा है वो जब चाकू के रूप में, लोहा तो लोहा है ना, एक लोहा मूर्ति के रूप में पूजा के योग्य हो जाता है और दूसरा लोहा जो कि चाकू के रूप में चला जाता है तो दूसरे को की है कसाई, जो कि उसे चाकू के रूप में अपने पास रखता है और उसे मांस काटने के लिए ही प्रयोग में लाता है, उसी लोहे को हम पूजते हैं। वही अगर कसाई के पास हो तो वह उसे गलत काम के लिए भी प्रयोग कर रहा है। पारस कहते हैं, जब पारस है जो जिसको छूने से पत्थर भी सोना बन जाता है। पारस पत्थर किसी के गुण अवगुण नहीं चित्तवत, कि किसी के भी गुण अवगुणों को अपने मन में ना रखकर कंचन करत खरियो, उसे सोने का रूप दे देता है। चाहे वह कसाई के पास लोहा चाकू के रूप में है, चाहे देव मूर्ति बनकर मंदिर में विराजमान है, वह किसी के भी भेदभाव को ना देकर उसे सोने के रूप में परिवर्तन कर देता है। यह माया ब्रह्म जाल कहावत सूरदास अग्रियो, कि यह सारा संसार एक माया का ब्रह्म जाल कहलाता है। इसलिए हे प्रभु, अब की बेर मोही पर उतारो, नहीं पर तान रो डरो।
अब की बार मुही गलतियों को माफ़ कर दो, अर्थात अब की बार मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर कर और मुझे तुम्हारे पर है उतारो, नहीं प्रण जा डरो, मुझे भव सागर से पार करो, नहीं तो मेरे प्राणों को टल दो, अर्थात कि मेरे प्राण है तुम्हारी कृपा से भी टल भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, ये तुम पर निर्भर करता है। विनय पद सूरदास की दूसरे पद में से लिए गए प्रसंग, सूरदास द्वारा रचित विनय पद में से। इस पद में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को समदर्शी मानते हुए उनसे अपने अवगुणों को दूर करने के लिए कहा है। प्रसंग में आ जाएगा, फिर व्याख्या आ गई, अंत में आपका आ जाएगा विशेष, जो कि आपने लास्ट में लिखना है विशेष। पहले तीन पॉइंट्स है वो पहले से रिलेटेड है कि कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को समदर्शी और पतित पावन मानते हुए हमसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। कोमल कांत ब्रजभाषा का प्रयोग तथा गीतात्मकता है। अनुप्रास बिन योक्ति अलंकार है। चौथा पॉइंट, भाषा सहज सरल एवं भावपूर्ण है। इसमें सुंदर शैली का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। ठीक है जी, सूरदास के ये दो की हैं आज विनय पद के आधार पर, पहला पद और दूसरा पद। ओके जी, थैंक यू।